हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दवाई चैनल। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 15 जुलाई से इंडिया टू दुबई फ्लाइट नहीं खुलेगा, वही हुआ। एमिरेट्स एयरलाइन ने फिर से 21 जुलाई तक इंडिया टू दुबई फ्लाइट सस्पेंड कर दिया है, मतलब सस्पेंशन को एक्सटेंड करके 21 जुलाई तक कर दिया है। और अभी ये नया डेट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए है। तो इस चार कंट्री के लिए नया अपडेट है कि 21 जुलाई तक फ्लाइट सस्पेंड रहेगा। मतलब इस तरह का ड्रामाबाजी दोस्तों, इस तरह का नाटक मैंने पहले नहीं देखा। फ्लाइट रिलेटेड इस तरह का नाटक ड्रामाबाजी मैंने पहले नहीं देखा दोस्तों। और एमिरेट्स दुनिया का जाने माने एयरलाइन में से एक है, इनका एक स्टेटस है, एक रिस्पेक्ट है। मतलब एमिरेट्स एयरलाइन कुछ ऐसा कुछ कर सकता है ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अभी ये कर रहा है। देखिए, एयरलाइन कंपनी का काम है आपका पैसा फंसाना और मेरा काम है आपका पैसा बचाना। क्योंकि एयरलाइन कंपनी बिजनेस कर रही है, बिजनेस। आप अगर गलती से टिकट बुक कर लेते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। इसलिए मैं हर रोज़ आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। 7 जुलाई, 15 जुलाई, 21 जुलाई, मतलब आज इमीडिएट ने 7 जुलाई तक सस्पेंड किया है, आज 15 जुलाई तक किया है, फिर से 21 जुलाई तक किया है। इसलिए मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। तो मेरा काम है आपका पैसा बचाना। देखिए, टिकट आप तब बुक करें जब यूई के तरफ से कंफर्म अपडेट मिल जाएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप यूई के तरफ से हो जाएगा, तब आप अपना टिकट बुक करें, उससे पहले नहीं। पहले आप करते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा। देखिए, जब मुझे कुछ कंफर्म न्यूज़ मिलेगा मैं भी आपको अपडेट करूँगा। तो मतलब अभी जो नया डेट है 21 जुलाई, देखिए दोस्तों, जब मुझे कुछ कंफर्म न्यूज़ मिल जाएगा फ्लाइट के बारे में, तो मैं भी आपको अपडेट करूँगा। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुझे पता चल जाएगा मैं भी आपको अपडेट करूँगा। लेकिन ईद से पहले फ्लाइट नहीं खुलेगा, ये कंफर्म है। कंफर्म ईद से पहले नहीं खुलेगा। बस मेरा काम है आपको अवॉर्ड करना। गलती से भी आप टिकट बुक ना करें। एयरलाइन वालों का जो डेट है उस डेट के ऊपर विश्वास करके गलती से टिकट बुक ना करें। हाँ, यूई गवर्नमेंट जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट यूई की तरफ से हो जाएगा तब अपना टिकट बुक करें। बस यही कुछ आपके साथ शेयर करनी थी। और खलीज टाइम पेपर में भी इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये तो होता ही रहता है। बस आज के लिए बाय बाय, फिर हम मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।